नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। लगातार 3 ओलंपिक में 100 मीटर रेस जीतने वाले उसेन बोल्ट ने कहा कि कोच कहे तो ट्रैक पर वापसी करूंगा। आगे क्या कहा सुनिए। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, इसी बीच जमैका के धावक और लगातार 3 ओलंपिक में 100 मीटर विजेता रहे उसेन बोल्ट संन्यास का फैसला बदल सकते हैं। उन्होंने कहा यदि उनके पूर्व कोच ग्लेन मिल्स कहेंगे तो वे ट्रैक पर वापसी कर सकते हैं। 8 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट बोल्ट ने एक मैगजीन से वीडियो इंटरव्यू में कहा कि उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोच कहेंगे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। 11 बार के वर्ल्ड चैंपियन बोल्ट ने 2017 में लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लिया था। आखिरी टूर्नामेंट में बोल्ट ने सिल्वर मेडल जीता था। बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक स्वर्ण जीते थे। बोल्ट ने कहा यदि मेरे कोच वापस आते हैं और मुझसे कहते हैं कि चलो फिर से करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने कोच पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ यदि वे कहेंगे तो हम फिर से करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ संभव होगा। बोल्ट ने कहा कि वे पिता बनने के बाद जीवन के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पत्नी कासी बेनेट ने मई में बेटी को जन्म दिया। बोल्ट ने कहा कि पिता बनना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं रात भर बेटी को देखता रहता था, इस कारण पहले ही हफ्ते में बीमार पड़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।